बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप ठीक होंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। मैं भी ठीक हूँ। शुरू करते हैं आज की रूटीन। शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं, रूटीन शुरू करते हैं। सहरी की तैयारी हो रही है। ये आटा गूंद के रख लिया है, और इधर दही, बर्तन रख लिए हैं पास। तो अभी पराठे बनाऊंगी। इधर चाय बन रही है, और इधर बन रही है चाय। चाय बन जाए तो फिर पराठे बनाते हैं। रोटियाँ पक चुकी हैं, सब बैठे खा रहे हैं। शाम का टाइम है और शाम के लिए बनाने लगे हैं सब्जी, हांडी रोटी। तो आज मैंने बनानी है कचनार चिकन। तो ये मैं अभी साफ करके हटी हूँ, अभी ये सब्जी बना के हटी हूँ। ये प्याज है, और इधर है टमाटर, सब्ज़ मिर्चे, अदरक और लहसुन, और इधर धनिया। तो अभी इनको धो के रखती हूँ। चिकन को धो के रख लिया है, बाकी सब्ज़ी जो धो के लाती हूँ। इधर सारी बात रख ली हैं। तो इधर चिकन है, धनिया, नमक, मिर्च मसाला, हल्दी, टमाटर, और इधर है कचनार, लहसुन अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और साथ है दही। तो दही इसमें लाजमी डालते हैं, फिर बहुत ही मज़े की बनती है कचनार और चिकन। तो इधर मैंने पतीली में ऑयल डाल लिया है, पकाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह, और ये देखें जी, प्याज हल्का ब्राउन हो गया था, तो मैंने लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, और आप इसमें डाले हैं साथ ही टमाटर। तो मसाला हमारा तैयार हो रहा है। और मस्जिद में बच्चा पढ़ रहा है नाज शरीफ रमज़ान के लिए, तो ये मसाले डाल रही हूँ उसमें। और अब डाल रही हूँ इसमें दही। तो दही का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं डालूँगी चिकन। और दही डालने के बाद मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो अब ये डाल रही हूँ मैं इसमें चिकन। चिकन को अच्छी तरह से भून के तो फिर इसमें डाल दूँगी कचनार।
चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद ना मैंने इसमें कचनार डाल दी है, तो अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से पहले चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें डाल दिया कचनार, तो अब कचनार डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं, तो फिर दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। माशाल्लाह जी, कचनार तकरीबन हमारी पक चुकी है। थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे दम पे और साथ ही इसमें डालती हूँ धनिया। माशाल्लाह जी, कचनार गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, चिकन कचनार, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और ये देखें, ऑयल भी छोड़ दिया है। आखिरी लुक चेक करें, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो अभी रोटियां बनेंगी, रोटियां बनाने के बाद फिर खाएंगे बैठ के। माशाल्लाह जी, रोज़ा इफ्तार हो चुका है, रोज़ा इफ्तार कर लिया है, तो अब ना खाने लगे हैं रोटी कचनार के साथ। तो शुरू करते हैं खाने। सारे माँ जो मैंने खा ली है, मेरे साथ भी खा लो, मेरा पेट भर गया है।